बस फिर से आपको सुना देते हैं कि आखिरकार सैम पित्रोदा ने क्या बयान दिया है। Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now, that's an interesting law. It says, you, in your generation, made wealth. You are leaving now, you must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. But when we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies, new programs that are in the interest of the people and not in the interest of super rich only. तो सैम पित्रोदा का ये बयान आपने सुना। पित्रोदा ने टैक्स लगाने की वकालत की है और एग्जाम्पल दिया अमेरिका का, अमेरिका में आधी संपत्ति सरकार को, और भारत में भी ऐसे कानून पर विचार होना चाहिए। और उदित राज हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता। उदित जी, बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज में आपका। सैम पित्रोदा का ये बयान हम सुन रहे हैं, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है और कहा है कि चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे सर आप इस पर? देखिए, सैम पित्रोदा जी का कोई ऑफिशियल लाइन नहीं है। आई एम स्पोक्स पर्सन, नेशनल स्पोक्स पर्सन। व्हाट आई से, जो मैं कहता हूँ उसको आप पार्टी का स्टैंड मान सकते, मानिए। दूसरी बात है, सैम पित्रोदा ने ये गरीबी कम करने के लिए ये तो काम किया है ना। अगर जिनके पास 1,00,000 करोड़, 2,00,000 करोड़, 35,000 करोड़, 10,000 करोड़, तो पूरे वर्ल्ड वाइड है, उसमें अगर उनका वो बेल्ट है, डेट बेल्ट है, उससे गरीबों का भला हो जाए, रोड में लग जाए, शिक्षा में लग जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर में लग जाए, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मतलब शर्म आती है कि पूंजीपतियों के के लिए बीजेपी कुछ भी कर जाए। यानी अब समझ में आता है कि अडानी, इनको अडानी चाहिए, देश की जनता नहीं चाहिए। तो देश की जनता के हित में दिया गया स्टेटमेंट, 80 करोड़ लोग जब फ्री राशन पर हैं, तो ऐसी परिस्थिति में तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है भाई जी। सर, तो आप ये कह रहे हैं कि ये उनका निजी बयान है, क्या कांग्रेस इसका समर्थन करती है? निजी बयान ना भी हो तो आम जनता का भला, देश का भला ही है। हमारे देश के पूंजीपति लेकर के पैसा भाग जाते हैं, कोई मॉरिशस में पार्क कर देता है, मैं पैसा डेड हो जाता है, कोई दुबई में पार्क कर देता है, कोई विदेश में पार्क कर सकता हूँ, देश के, हमारे देश के ही जनता के काम आ जाए, आम लोगों के काम आ जाए। इसमें तो प्रेस को भी सपोर्ट करना चाहिए, सभी सपोर्ट करना चाहिए। 150 लोग जो बीजेपी के लोग, उनको छोड़कर, पूंजीपति को छोड़कर के 140 करोड़ जनता को सपोर्ट करना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात उन्होंने बोला। ठीक है, बहुत धन्यवाद उदित राज जी।